गाइस, Xiaomi HyperAce 2.0 का जो रोल आउट है वो Xiaomi ने स्टार्ट कर दिया है। कुछ डिवाइसेस के लिए इसको अपडेट देखने को मिलना भी स्टार्ट हो चुके हैं। और HyperAce जो 1.5 है, इसका रोल आउट इंडिया और ग्लोबल में दोनों ही कंट्रीज में स्टार्ट है। काफी सारे डिवाइसेस को ये जो अपडेट्स हैं डे बाई डे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, स्टेबल और बीटा दोनों ही। और यहाँ पर एंड्रॉइड 15 का भी रोल आउट स्टार्ट कर दिया गया, जो कि कुछ डिवाइसेज में देखने को मिल रहा है। जो बीटा 3 प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया गया, और यहाँ पर HyperAce 2.0 की जो टेस्टिंग है उसको भी यहाँ पर Xiaomi ने काफी सारे डिवाइसेज में स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो में आप सभी के लिए काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, काफी सारी टेक न्यूज है। ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैं पहले डिवाइस की बात करूं तो आप देख सकते हो Xiaomi 12 Pro के लिए यहाँ पर HyperAce का एक नया अपडेट जो इंडिया में देखने को मिला है। इस अपडेट की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो 1.0.6.0 है, INXM इंडिया का साइन मिल जाता है, और यहाँ पर 66 MB का ये अपडेट है। और इसमें आपको जो सितंबर 24 का सिक्योरिटी पैच है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फाइनली ये अपडेट जो रोल आउट है वो सबके लिए यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, ऑलमोस्ट सारी यूजर्स के लिए। तो अगर आप यहाँ पर Xiaomi 12 Pro यूज करते हो तो नया अपडेट इंडिया में आया है, जिसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और गाइस, यहाँ पर ग्लोबल स्टेबल में अगर आप Xiaomi 11 Lite यानी जो 5G मॉडल है यूज करते हो तो इस डिवाइस के लिए भी 1.0.8.0 का एक नया अपडेट रिलीज किया, जो कि एंड्रॉइड 14 बेस्ड है, 4th नंबर का अपडेट है, और सितंबर 24 का सिक्योरिटी पैच है। हालांकि ये जो अपडेट है वो MI पायलट टेस्टर्स को भी देखने को मिला, सारे यूजर्स को नहीं मिला है। एक वीक के अंदर ये सारे यूजर्स को मिलेगा, देन इंडिया वगैरह में भी इसका जो नया बिल्ड है वो काफी जल्द देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूं तो अगर आप Redmi Note 11 Pro Plus या X4 Pro डिवाइस है वो अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पर एक नया बिल्ड देखने को मिला, जो कि 1.0.5.0 है, 19 MB का अपडेट है। और आज की डेट में ये सारे यूजर्स को देखने को मिला है, क्योंकि ये जो अपडेट है 2 दिन पहले रिलीज किया गया था। अब इसका पब्लिक रोल आउट भी Xiaomi ने काफी जल्द रिलीज कर दिया, जो कि सितंबर 24 सिक्योरिटी पैच के साथ यहाँ पर आता है, जिसको आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूं तो भाई Redmi Note 12 जो 4G मॉडल है, इस डिवाइस के लिए HyperAce का एक नया बिल्ड जो है वो इंडिया में रिलीज किया गया है। इस अपडेट की मैं बात करूं तो 1.0.10.0 है, 545 MB का ये अपडेट है। और इसके अंदर फीचर्स की मैं बात करूं, क्योंकि ये जो अपडेट है वो HyperAce 1.5 का है, न्यू स्टार्टअप एनिमेशन मिल जाता है, उसके बाद सितंबर 24 का सिक्योरिटी पैच है, और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड टू एडिट वाला फीचर है, जो कि HyperAce के सारे अपडेट्स में आ रहा है, वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। और इस अपडेट का फुल फीचर रिव्यू भी आपको चैनल पे काफी जल्द देखने को मिलेगा, जिसमें आप सारे इन्फॉर्मेशन देख पाओगे। और गाइस, फाइनली यहाँ पर Redmi K50i अगर आप यूज करते हो तो इंडिया में इस अपडेट को कम से कम 3 से 4 बार रिलीज कर दिया गया है। अब इसका जो पब्लिक रोल आउट है वो दोबारा से रिलीज किया गया, जिन यूजर्स को अभी तक ये अपडेट नहीं मिला था ये उनके लिए यहाँ पर रिलीज किया गया। यहाँ पर आप देखोगे 1.0.4.0 अपडेट है, 358 MB का अपडेट है, और ये जो अपडेट है वो यहाँ पर सितंबर सिक्योरिटी पैच के साथ यहाँ पर आता है। इस पर मैंने ऑलरेडी फुल फीचर रिव्यू भी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, क्या फीचर्स हैं, क्या ऑप्टिमाइजेशन है, अगर आप जानना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। और यहाँ पर HyperAce 2.0 का जो पहला अपडेट है बीटा फॉर्म में, वो यहाँ पर Xiaomi का जो 14 प्रो है इन दोनों ही डिवाइसेज में देखने को मिला है, और आने वाले टाइम में Xiaomi 13 जो प्रो है उसको भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो अपडेट है वो 6.3 GB का देखने को मिला, जो कि काफी बड़े साइज के साथ आता है, क्योंकि इस अपडेट में आपको एंड्रॉइड 15 भी देखने को यहाँ पर मिला। आप देखोगे यहाँ पर एंड्रॉइड 15 आ गया है इस डिवाइस के अंदर, जो कि काफी अच्छी चीज है। देन यहाँ पर इसके ऊपर काफी सारे फीचर्स में अच्छे से वर्क किया गया है, जो कि आने वाले टाइम में काफी सारे डिवाइसेज में देखने को मिलेगा इंडिया और ग्लोबल में। और अगर आप इंडिया में Xiaomi 11 Lite एनी जो 5G मॉडल यूज करते हो तो भाई इस डिवाइस के लिए भी पब्लिक रिलीज जो है स्टार्ट कर दिया गया है। ये अपडेट जो है वो यहाँ पर एक वीक पहले ही रिलीज करना स्टार्ट किया गया है, लेकिन आज की डेट से इसका जो पब्लिक रोल आउट है जिन यूजर्स को नहीं मिला वो सारे यूजर्स को देखने को मिल रहा है, जो कि 1.0.9.0 है, और ये आप देख सकते हैं 62 MB का है। इसमें आपको सितंबर 24 का सिक्योरिटी पैच मिलता है, जिसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूं तो भाई अगर आप इंडिया में पोको जो F6 है यूज करते हो तो इस डिवाइस के लिए HyperAce 1.5 का एक नया ऑफिशियल बिल्ड इंडिया में रिलीज किया गया है। इस अपडेट की मैं बात करूं तो 1.0.6.0 है, 479 MB का ये अपडेट है। एनिमेशन की मैं बात करूं सिस्टम की, तो न्यू स्टार्टअप एनिमेशन जो ऐप लॉन्च फास्टर है वो आपको मिल जाता है, और यहाँ पर ऐप लॉन्चिंग एल्गोरिदम स्पीड अप, एंड यहाँ पर आप देखोगे ऐप ओपनिंग जो प्रोसेस है उसको काफी ज्यादा फास्ट किया है, और यहाँ पर जो गेम क्रैशेस वगैरह थे उनको भी फिक्स किया गया है, और यहाँ पर सितंबर 24 का सिक्योरिटी पैच यहां पर मिलता है। तो अगर आप पोको F6 यूज करते हो इंडिया में तो फाइनली HyperAce 1.5 का एक नया बिल्ड रिलीज किया गया, जिसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूं तो भाई पोको F5 के लिए भी यहां पर ईए स्टेबल में या फिर ग्लोबल में दो अपडेट्स नए देखने को मिले, यहां पर ईए में और ग्लोबल में। और यहाँ पर ग्लोबल की मैं बात करूं तो 1.0.9.0 मिला है, जो कि ओनली 16 MB का है, सितंबर 24 का सिक्योरिटी पैच है, और उसके साथ ही यहाँ पर 1.0.11.0 जो है वो ईए में देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर 16 MB का अपडेट है। उसके साथ ही आप देखोगे फीचर्स में भी काफी ज्यादा फीचर्स वगैरह यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आप ये पोको F5
ग्लोबल या फिर ईएस टेबल यूज करते हो तो नया अपडेट आया है जिसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और इंडिया में फाइनली रेडमी नोट 13 जो प्रो प्लस डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए पब्लिक का जो ऑफिशियल बिल्ड है वो यहाँ पर देखने को मिला, जो कि 1.0.11.0 है, ओनली 13 MB का अपडेट है। और इस अपडेट में भी आपको यहाँ पर जो सितंबर का सिक्योरिटी पैच है वही देखने को मिल रहा है। तो ये अपडेट काफी सही है, अगर आप इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर ग्लोबल स्टेबल में रेडमी 12 5G और पोको M6 प्रो के लिए कल की डेट में और आज की डेट में जो है हाइपरएस का एक नया बिल्ड देखने को मिला जो कि 1.0.9.0 है। और ये पब्लिक रिलीज है क्योंकि इसको एक वीक पहले जो है टेस्टर्स के लिए रिलीज किया था, लेकिन इसका पब्लिक रोल आउट हो चुका है और इसका भी फुल फीचर रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है, जिसको आप डेफिनेटली यहां से ट्राई कर सकते हैं अगर आपको अपडेट नहीं मिला है। और यहां पर अगर आप पोको F5 इंडियन वर्जन यूज करते हो तो इस डिवाइस के लिए भी एक बहुत छोटा बहुत माइनर अपडेट रिलीज किया गया है, जो कि आप देख सकते हो 1.0.12.0 जो कि ओनली 16 MB का है और सितंबर 24 का जो सिक्योरिटी पैच है वो भी आपको यहां पर मिल रहा है। तो ये अपडेट काफी सही है और ये टेस्टर्स को पहले मिला था लेकिन अब पब्लिक रिलीज कर दिया गया है, जिसको आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आप Redmi Note 13 5G या फिर Poco जो X6 न्यू मॉडल है यूज करते हो तो इस डिवाइस के लिए भी इंडिया में HyperOS का एक नया अपडेट रिलीज किया गया जो कि 1.0.11.0 है, 44 MB का अपडेट है, सितंबर 24 का सिक्योरिटी पैच है और आज की डेट से इसका पब्लिक रोल आउट Xiaomi ने स्टार्ट किया, क्योंकि अभी ये 3-4 दिन पहले जो है टेस्टर्स को देखने को मिला था, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी नहीं मिला था, मैंने इसको रीनेम ट्रिक से जो है फ्लैश किया था, लेकिन आज की डेट से इसका पब्लिक रोल आउट Xiaomi ने इंडिया में भी स्टार्ट कर दिया जो कि 1.0.11.0 है, सितंबर 24 का सिक्योरिटी पैच है। तो अगर आप Redmi Note 13 5G या फिर Poco X6 न्यू यूज करते हो तो नया अपडेट आया है जिसको इंडिया में ट्राई कर सकते हो। और फाइनली यहाँ पर जो Xiaomi 15 Pro डिवाइसेस के कुछ रेंडर्स यहाँ पर देखने को मिले, डिजाइन कुछ इस टाइप का यहाँ पर होने वाला है, आप देख सकते हो ये कैमरा सेटअप है और उसके साथ यहाँ पर आप देखोगे इसके जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। फ्लैश को यहाँ पर साइड में कर दिया, आप देख सकते हैं डुअल टोन का जो फ्लैश है वो आपको मिलता है, तो ये चीज मुझे काफी सही लगी। और इसका एक और जो लीक है वो यहाँ पर देखने को मिला है, लाइका का सेटअप जो है वो आपको मिल जाता है कैमरे में, तो देखते हैं कि भैया ये किस टाइप का कैमरा यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर इसकी जो है वो ब्रांडिंग वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है, हालांकि ये नहीं बताया ये कितने मेगापिक्सल वगैरह का जो है वो कैमरा यहाँ पर होने वाला है। तो यार ये अच्छा ऑप्शन है, हालांकि ये काफी फ्लैगशिप लेवल का डिवाइस है जो कि आने वाले अपडेट्स में आपको मिलेगा। और यहाँ पर HyperOS 2.0 के अंदर एक नया फीचर आपको मिलेगा, Xiaomi HyperOS 2.0 लॉन्च स्टोरेज सैंडबॉक्स फॉर एनहांस्ड प्राइवेसी। तो ये फीचर जो यहाँ पर आने वाला है तो देखते हैं कि भैया ये कैसा फीचर है, किस तरीके से यहाँ पर वर्क करेगा, प्राइवेसी से रिलेटेड ये फीचर है। तो आने वाले अपडेट्स में ये फीचर डेफिनेटली आपको मिलेगा, जिसमें इसमें आपको बेटर प्राइवेसी कंट्रोल्स मिलेंगे और यहाँ पर परमिशंस वगैरह के भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, इम्प्रूव जो सिक्योरिटी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आने वाले अपडेट्स में बहुत सारे नए फीचर्स HyperOS 2.0 के मिलेंगे। और यहाँ पर गेम टर्बो अक्टूबर का एक नया अपडेट देखने को मिला है, देखोगे यहाँ से Xiaomi का जो HyperOS गेम टर्बो 5 है यहाँ पर आपको अक्टूबर 24 का जो नया अपडेट है वो देखने को मिला है, जिसके अंदर आपको काफी सारे जो चेंजेस है वो मिलेंगे, जिसमें आपको परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव मिलेगी, इंप्रूव UI मिलेगा, पर्सनलाइजेशन सेटिंग के ऑप्शंस मिलेंगे और यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा, सिक्योरिटी एनहांसमेंट का ऑप्शन मिलेगा और इसका जो लुक है वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। और इसका जो APK है सिक्योरिटी ऐप का वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप अगर आप चाहो तो ये जो नया गेम टर्बो है 5.0 वाला जो कि लेटेस्ट है HyperOS 2.0 से एक्सपेक्टेड है और ये अक्टूबर का लेटेस्ट अपडेट है, जिसको आप डेफिनेटली ट्राई यहां से कर सकते हो। HyperOS 1.5 का एक बीटा 2 का जो सिस्टम लॉन्चर है उसका एक लेटेस्ट अपडेट यहां पर देखने को मिला है, जिसके अंदर आपको काफी सारे नए टूल्स मिलते हैं। यहां पर आप देखोगे इसके अंदर आपको डिस्प्ले के अंदर ग्रिड का ऑप्शन मिल जाता है, एनिमेशन इफेक्टेड है, मतलब एनिमेशन के जो इफेक्ट है वो मिल जाते हैं, हालांकि एनिमेशन इफेक्टेड नहीं है। और पॉपअप मेन्यू इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा, न्यू सेटिंग जो है वो डिजाइन मिलेगा और भी काफी सारे जो नए टूल्स वगैरह है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये HyperOS 2.0 के साथ ही यहाँ पर आएगा और इसके अंदर आपको एनिमेशन भी काफी तगड़े यहाँ पर मिलेंगे, एक वीडियो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन वर्किंग है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे दे दिया है HyperOS का जो सिस्टम लॉन्चर है, जिसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।